अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में है सोपन इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग एक अपडेट आई आज सुबह में ही, जो कि उसके अंदर वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये लोग एग्ज़ाम्स में चेंजेस लाना चाह रहे हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि क्या तरीके के चेंजेस हैं, ये लोग एग्ज़ाम पेपर पैटर्न बदल देंगे या फिर टाइम रिड्यूस करेंगे या फिर सेल्फ सेंटर्स रहेंगे। तो ये पूरे इसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोगों को भी इंफॉर्मेटिव अपडेट मिल सके। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए हजरात हैं, आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। तो जैसा कि आप मेन हेडिंग में देख सकते हैं कि TS इंटरमीडिएट एग्जाम्स इंटर बोर्ड इन द आइडिया ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द एग्जामिनेशन सिस्टम इफ गवर्नमेंट अलाउ, मतलब TS इंटरमीडिएट बोर्ड वाले क्या है एक आइडिया लेके आए चेंजेस करेंगे बोल के। मतलब ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं, क्वाइट सिंपल चेंजेस ही चाहिए मगर गवर्नमेंट अलाउ करे। तो उसके अंदर अपन ये देखने वाले कि क्या क्या चेंजेस आएंगे। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड वाले प्लान करके चेंज करके ये साल एग्ज़ाम्स वैसा ही लेंगे क्या अगर गवर्नमेंट अप्रूव करे तो, देखना है अपने को। तो अब जैसा कि देख सकते हैं कि तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स जो है सो बोर्ड वाले ये डिसाइड करे कि ये साल इस एजुकेशन सेक्टर इसको इफेक्ट हुआ बहुत, क्यों बोले तो कोरोना की तरफ से, और वो लोग क्या है बोले तो क्लासेस भी नहीं ले सके। और क्या हुआ बोले तो कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो कि शिफ्ट हो गए ऑनलाइन क्लासेस लेने, मगर ऑनलाइन क्लासेस होने की तरफ से स्टूडेंट्स क्या है कई तरीके के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे और डिफ़िकल्टीज़ भी आ रहे। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना इंटर बोर्ड वाले क्या करें प्लानिंग करके ये लोग चेंजेस लाए एग्जामिनेशन सिस्टम में। तो गवर्नमेंट क्या करी चेंजेस लाना चाह रही है एक एक्सटेंड तक, उसके बाद में ये बार एग्ज़ाम्स भी वो एक्सटेंड चेंजेस में ही लेने वाले हैं अगर गवर्नमेंट अप्रूव हुई तो। क्या क्या चेंजेस है अपन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये लोग है सो एडिशन ऑफ मोर चॉइस इन क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस देने की सोच है, मतलब ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। और जो है सो हुआ तो टाइम भी रिड्यूस करेंगे बोल के ये लोग सोच रहे, जैसा कि डिग्री इंजीनियरिंग के बच्चों को 3 घंटे का एग्ज़ाम 2 घंटे में अगर है ना, तो हो सकता 50% चॉइस दे के आप लोगों को भी टाइम रिड्यूस कर सकते। और जो है सो आपको पहले क्या था, आपको 4 मार्क्स 8 मार्क्स में चॉइस आता था, 2 मार्क्स में चॉइस नहीं आता। तो अब आपको हो सके तो 2 मार्क्स में भी आपको चॉइस आएगा बोल के ये लोग सोच रहे। और क्या है बोर्ड वाले ये भी प्लान कर रहे कि MPC और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को मॉर्निंग आवर में एग्ज़ाम देंगे और जो BPSC कॉमर्स के स्टूडेंट को आफ्टरनून में लेंगे। पहले क्या था सबको एग्ज़ाम्स एक साथ होते थे ना, तो वैसा नहीं, क्यों बोले तो करोना होने की तरफ से ये लोग क्या है पब्लिक की सेफ्टी देखते हुए MPSC आर्ट्स वालों को क्या है मॉर्निंग में लेंगे बोल के सोच रहे, BPSC और कॉमर्स को आफ्टरनून में लेंगे। ऑफिशियल्स क्या है क्लासेस भी स्टार्ट करने की सोच रहे कॉलेजेस हुए संक्रांति के बाद में, जैसा कि मैं भी प्रीवियस वीडियो में अपडेट दिया कि हो सके तो आपको 18 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अथॉरिटीज़ जो भी है इंटरमीडिएट के ऑथराइज पर्सन वो लोग क्या करें प्रपोजल सेंड करें गवर्नमेंट को, अगर वो अप्रूव हो गया वो रिपोर्ट तो आपको इंटरमीडिएट ऑफिशियल से, तो हो सके तो आपको पॉसिबल है कि आपके कॉलेजेस है सो संक्रांति के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी मस्ट हो जाएंगे और आपको टाइम टेबल भी जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये चेंजेस अच्छे है या फिर आप बेकार है, मतलब फ़ायदेमंद है या बेकार है। तो इसके लिए क्या है बोले तो मेरे को भी एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू मालूम हो सकता है क्या गवर्नमेंट सही कर रही है या नहीं कर रही। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपको इंटरमीडिएट मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा मैं इंशाल्लाह। और आपको कुछ भी डिटेल में वीडियोस होना है फिर लाइव आके आपको मैथ्स के प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो बोले तो वो भी करूंगा मैं, और बेसिक मैथ्स की भी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ऑलरेडी एक वीडियो डाला मैं, वो वीडियो आप देखिए। और वीक में या 4 डेज में आपको वो सीरीज़ में आपको वीडियो एक आते रहेंगी। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अच्छी दिखी तो लाइक करिए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।